अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में आपको गार्डनिंग से रिलेटेड जो है वीडियोस और मिल सके। अच्छा जी, आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद क्या है वो ये है, ये देखिए जो खूबसूरत सा फ्लावर आप देख रहे हैं ये है ज़ाफ़रान का फ्लावर, और इस पर जो रेड कलर के स्टिग्मा आप देख रहे हैं, मैं ये आपको बताती हूँ, ये वाले रेड कलर के जो स्टिग्मा है ये जो है ज़ाफ़रान है। घर में आप ये छोटा सा सेटअप करें, बहुत एक्सपेंसिव ज़ाफ़रान जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं ये बिल्कुल सेम वही है ओरिजिनल ज़ाफ़रान। अच्छा, अभी पाकिस्तान में ये इतना इन नहीं हुआ, लोगों को इतना नहीं पता, तो अगर आप चाहते हैं तो ये आप घर में एज अ साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसको ना ज़्यादा सॉइल भी नहीं चाहिए, ये देखें मैंने ऐसे सॉइल के ऊपर रखा हुआ है, 30 डेज़ में ये फ्लावर निकल आया, इसका खिल गया, उस पर ज़ाफ़रान आ गए। कुछ ज़ाफ़रान के स्टिग्मा मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, कुछ के मैं अभी करूँगी। अच्छा, ये देखिए मैंने सिंपल ये एक पॉट पे मैंने तीन तीन भी लगाए हुए हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा उसमें भी किए हुए हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो इसको बिल्कुल अंदर ऐसे करके सो कर दें, चाहें तो आप ऊपर इस तरह लगा दें। बहुत एक्सपेंसिव ये सेल होगा, अगर आप इसको एज अ प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो हमें मैसेज करके आप ये बल्क में हमसे बल्ब इसके ख़रीद सकते हैं। ये इसका बल्ब होता है, इसको बल्ब कहते हैं, ये आप हमसे बल्ब में ले सकते हैं। इस तरह से करके आप कलेक्ट करें और इसको महंगे दामों में आप सेल करें, घर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए खूबसूरत सा फ्लावर है, इंतहाई खूबसूरत, ये देखिए, और इसमें से आप ये स्टिग्मा कलेक्ट कर लेंगे। इसमें इसी वीडियो में हम आगे आपको इसके, ये देखिए इसी वीडियो में हम आपको इसके आगे फ़ायदे भी बताएंगे। बहुत अच्छा, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत फ्रेश फ्रेश ज़ाफ़रान है, असल ज़ाफ़रान है। असल ज़ाफ़रान की क्या पहचान होती है कि ये एक तरफ से एक साइड से, ये दो साइड से इक्वल नहीं होता, एक साइड से ऐसा लाइट ऑरेंज सा होता है, दूसरी साइड से ऐसा होता है। तो कुछ ज़ाफ़रान इसमें देखें कुछ ड्राई हुए हैं, कुछ जो है अभी फ्रेश फ्रेश हैं। इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना आपने, इसे एयर टाइट जार में बंद करके रख लें, फिर आप चाहें तो चाय के ऊपर यूज़ करें, या आप चाहें तो इसको आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, गर्म पानी में डाल के, नीम गर्म पानी में डाल के, जिनको हार्मोन का कोई इशू होता है उसमें भी ये यूज़ होता है, उसके अलावा आप डिफरेंट चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, अगर आप लोग एज घर में अगर साइड बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। दिनों में आपको अच्छी खासी अमाउंट होगी, दिनों में आप अमीर होंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। हज़ारों के हिसाब से ज़रा ज़रा से ग्राम के सेल होते हैं, तो अगर आप अमीर होना चाहते हैं, साइड बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना इसमें आपने, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने ऐसे बल्ब लगा देने। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने और कहाँ लगाई हुए हैं, मैं से ये सारे स्टिग्मा रिमूव कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यह एक और बात बताऊँ आपको, इस ज़ाफ़रान का जो फ्लावर है इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत है, तो आप इसकी जो पेटल है ये भी कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके इसका भी यूज़ मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि आप इसकी पेटल भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें ये मैंने जो प्लास्टिक वाली टोकरी होती है क्रेट उसमें लगाया हुआ है, ये मैंने अभी फ्रेश लगाई हैं, ये फ्रेश बल्ब लगाई हैं, ये मैंने बास्केट में रखे हुए हैं, ये बग़ैर सॉइल के भी पड़े पड़े ऐसे उगना शुरू हो जाते हैं, ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी इसकी है ग्रोथ, देखें ऐसे पड़े पड़े उगना शुरू हो जाते हैं। सिंपल ये है कि आपने ये सॉइल में लगा देना है, थोड़ी सी सॉइल में लगाना है और इसको आपने शेड में रख देना है, सुबह की हल्की सी धूप है तो गुड है, अदरवाइज़ आपने इसे शेड में रख देना है। बहुत अच्छा बिज़नेस है, अगर आप घर में कोई काम करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको इसकी मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।